हे फ्रेंड्स, सो आज है सावन का पहला सोमवार, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज आपको मैं अपने घर के पास वाले एक मंदिर में घुमा के लाती हूँ। ये मंदिर हमारे यहाँ एक शिवालय है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। और अभी आप जैसे देख रहे हैं, ये इसके आगे का जो पार्क एरिया है वहाँ पे हम हैं। तो इस पार्क में आप देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे पौधे लगे हुए हैं। बहुत ही बड़ा सा सुंदर सा पार्क है जहाँ पे बच्चे शाम में आके खेलते हैं। यहाँ के कॉलोनी के लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे पेड़ों को लगाया है, छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हैं, और मकई के अभी यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं जिसमें बहुत प्यारी सी अच्छे से भुट्टे भी निकल रहे हैं मकई। और मैंने सोचा चलिए आज आपको यहीं पे हम घुमाते हैं। तो ये देखिए, ये इसका पूरा रास्ता है जो अभी यहाँ रिसेंटली ही बनवाया गया है। और ये शिवालय इतना शांत, इतना प्यारा है, सनसेट कितना सुंदर है। असल में मैं यहाँ पे शाम के वक्त आई हूँ क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो रिकॉर्ड करना मुश्किल था। तो मैंने सोचा आपको यहाँ शाम में घुमाती हूँ, और इस समय यहाँ पे बहुत शांति भी है, सनसेट बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुकून है इस समय यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलिए चलते हैं और आगे मंदिर के यहाँ पे दर्शन करते हैं। तो हम आ गए हैं मंदिर, और ये पूरा मंदिर है, बहुत ही शांत जगह है। और ये रहे हमारे प्यारे से सुंदर से भोलेनाथ। यहाँ मंदिर में शिव पार्वती जी की मूर्ति है, राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, बजरंग बली है, और लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति है, माँ दुर्गा है, राम परिवार है पूरा। बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। ये बहुत छोटी सी स्पेस में मंदिर बनाया गया है जो आस पास के लोगों ने ही मिलके बनाया है। और यहाँ इतनी शांति रहती है कि आप बिल्कुल आराम से यहाँ पे आके पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं यहाँ पे जाके करती हूँ पूजा, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।